अल्लाह ना करे मैं ऐसा क्यों सोचूं मैं गंजा होता। जिंदगी में मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मैं गंजा होता। खुद का डॉक्टर कभी अपना इलाज नहीं कर सकता। पहले जड़ी बूटी आई थी, वो जड़ी बूटी से किसी ने कोई साइंस लगाई और उसने वहाँ से बीज निकाला, उस बीज से फिर पौधा बना। अस्सलाम वालेकुम, सच डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मारिया जबीन और आप देख रहे हैं बोलना तो पड़ेगा। जी नाजरीन, पहेलियाँ तो सभी पूछते हैं, आज मैं आवाम से पूछूंगी ऐसे सवालात के वे सोचते रह जाएंगे, तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक शुक्र अल्लाह। यहाँ कैसे बैठे हुए हैं? खाना खाने के लिए। पिज्ज़ा नहीं मंगवाया? पिज्ज़ा यहाँ पे था नहीं मेन्यू में। अच्छा, पिज़्ज़ा खाते हैं आप ऐसे? बहुत कम। अच्छा मुझे बताएं, पिज़्ज़ा तो गोल होता है तो उसका बॉक्स क्यों चकोर होता है? उसका बॉक्स चकोर इसलिए होता है कि उठाने में आसानी होती है ना, ताकि आप जो कैरी कर रहे हैं तो वो गिरे ना, इस वजह से चकोर होता है। अच्छा, अक्सर हमारी सॉक्स गुम हो जाती हैं तो वो गायब होके कहाँ जाती हैं? भाई के शॉप पर, भाई की अलमारी में पहुँच जाती हैं। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं अगर आप गंजे होते तो आपके सर में खुश्की हो सकती थी? अल्लाह ना करे मैं ऐसा क्यों सोचूं मैं गंजा होता। जिंदगी में मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मैं गंजा होता। पौधा जो है पहले आया या बीच? डिपेंड करता है कि इसमें मेरा ख्याल है कि पहले पौधा आया था। दांतों का डॉक्टर है वो, अपने दांत कैसे चेक करवाएगा? दूसरे डॉक्टर से। खुद नहीं चेक करेगा, वो खुद भी तो दांतों का डॉक्टर है ना। दूसरे डॉक्टर पे क्या करेंगे अगर वो अपने भी खुद करेगा तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिदा महमूद है। क्या नाम है? फिदा नाम है मेरा। किस पे फिदा हैं आप? खुद पे ही है फिलहाल, मैं सच बोलने लगा था। अच्छा मुझे बोल देना सच। अच्छा मुझे बताएं, पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, खाते हैं? खाते हैं बिल्कुल। कितना पसंद है? ठीक है। कभी ये सोचा है पिज़्ज़ा गोल होता है तो इसका बॉक्स क्यों चकोर होता है? नहीं, इससे सोच नहीं आई कभी। अच्छा, अक्सर हमारी सॉक्स गायब हो जाती हैं तो वो गायब हो जाती हैं तो वो कहाँ से मिलती हैं? अक्सर वो बेटा उसको ले लेके फिर होता है, कहीं ना कहीं उसमें बाजू पर चढ़ाई होती है। पहले पौधा आया था या बीच? पहले पौधा आया था। अगर आप गंजे होते तो आपके सर में खुश्की हो सकती थी? होती होगी, हो सकती है, हो सकती है। अच्छा, दांतों का डॉक्टर अपने दांत कैसे चेक करवाएगा? शीशा रख के आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ मैं जॉब करता हूँ तो अभी लंच टाइम था तो लंच करने आए हुए थे। अच्छा, पिज़्ज़ा खाते हैं आप? जी। कितना पसंद है? मूड होता है तो बस ऑर्डर कर लेते हैं, वैसे अच्छा लगता है। अच्छा, पिज़्ज़ा गोल होता है तो उसका बॉक्स क्यों स्क्वायर होता है? बॉक्स उसका स्क्वायर क्योंकि वैसे बॉक्स स्क्वायर शेप में ही आते हैं, इसलिए मेरे ख्याल से। अच्छा, पहले पौधा आया था या बीज? पहले बीज आया था। अच्छा, अगर जो दांतों का डॉक्टर है वो अपने दांत कैसे चेक करवाएगा? वो खुद शीशे में देख के खुद ही अपना ट्रीटमेंट कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? आई एम गुड, जबरदस्त। यहाँ कैसे बैठे हुए हैं, खाने का वेट कर रहे हैं? सर, खाने के लिए आए हुए थे। क्या ऑर्डर किया है? हमने जी कीमा ऑर्डर किया और नान ऑर्डर किए। अच्छा, पिज़्ज़ा खाते हैं? पिज़्ज़ा खाते हैं। अच्छा मुझे बताएं, पिज़्ज़ा तो गोल होता है तो उसका बॉक्स क्यों चकोर होता है? क्योंकि किसी ने सोचा नहीं आज तक गोल बनाने का, वैसे गोल बन सकता है। अच्छा मुझे बताएं, अक्सर हमारी सॉक्स गायब हो जाती हैं तो वो गायब होकर कहाँ जाती हैं? या तो वो जूते साफ़ करने के लिए बन जाती हैं, या उसमें कोई चीज़ रख के, वो जो नहीं होती चूहे मार गोलियाँ, वो रख के उसमें कहीं रखी जा सकती हैं, या फिर वो कहीं बाहर चली जाती हैं। पहले पौधा आया था या बीज? मेरे ख्याल पहले जड़ी बूटी आई थी, वो जड़ी बूटी से किसी ने कोई साइंस लगाई और उसने वहाँ से बीज निकाला, उस बीज से फिर पौधा बना। अच्छा, अगर आप गंजे होते तो आपके सर में खुश्की हो सकती थी? वैसे हो सकती है, खुश्की डिपेंड करता है, अगर आप शैम्पू अच्छा इस्तेमाल करें तो फिर नहीं होगी। दांतों का डॉक्टर अपने दांत कैसे चेक करवाएगा? वैसे तो उसे खुद भी पता होना चाहिए कि दर्द क्यों है, उसकी दवाई ले सकता है, लेकिन अगर वो नहीं और उसने जाके रूट कनाल करनी है, ऐसी कोई चीज़ करनी है, तो वो पैसे खर्च करेगा और किसी और डॉक्टर के पास जाएगा, और अगर कोई दोस्त है तो उसके पास जाएगा कि पैसे भी ना लगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ कैसे आना हुआ? बस जॉब करते हैं यहाँ पर, खाने के लिए आए हैं। क्या खाना है, पिज़्ज़ा खाना है? नहीं, फिलहाल हम दाल खाएंगे क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। अच्छा मुझे बताएं, पिज़्ज़ा जो है गोल होता है तो उसका बॉक्स चकोर क्यों होता है? पिज़्ज़ा बॉक्स इसका आई थिंक चकोर होता है कि वो इजीली उसको लेके आ सकते, वो गिर ना जाए ना, इस तरह जो मैंने सुना है या पढ़ा कोई इस तरह का आइडिया मुझे। पहले पौधा आया था या बीज? पहले मेरे ख्याल में बीज आया था। कैसे बीज आया था? हर चीज़ मेरे बीज से ही बनती है, बीज आया था मेरे ख्याल में पहले बीज से पौधा निकला। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, अक्सर हमारी सॉक्स गायब हो जाती हैं तो वो गायब होकर कहाँ जाती हैं? जी गायब इस वजह से होती हैं, जब हम उतार के फेंकते हैं ना, हमें पता नहीं होता, लेट नहीं जाते हैं ना, ऐसे हम ऑफिस से लेट नहीं जाते, थके होते हैं, उतार के फेंकते हैं, कोई पता नहीं किधर फेंकते हैं, फिर सुबह उठ के हम ढूंढ रहे होते हैं अपने शूज़ में यार के यहीं पर रखे, उस वजह एक्टिव वो गायब हो जाती हैं। अच्छा, अगर आप गंजे होते तो आपके सर में खुश्की हो सकती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा मुझे बताएं, दांतों का डॉक्टर अपने दांत कैसे चेक करवाएगा?
डॉक्टर दांतों का डॉक्टर अपने दांत मेरे ख्याल में शीशे में देख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? लगा आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा आप लंच कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आप देख सकती हैं लंच ही कर रहा हूँ। तो आपने पिज्ज़ा क्यों नहीं ऑर्डर किया? एक्चुअली पिज़्ज़ा का मूड नहीं था ऑफिस में, वैसे भी हम KFC मंगवा रहे थे पर मैंने कहा आज थोड़ा डिफरेंट खाते हैं, तो हॉट एंड स्पाइसी एक मैंने काफ़ी टाइम से ट्राई नहीं किया था तो मैंने सोचा ये ट्राई कर लेते हैं आज। अच्छा पिज़्ज़ा तो गोल होता है तो उसका बॉक्स क्यों चकोर होता है? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि बॉक्स चकोर आपको पकड़ आराम से सकते हैं आई गेस मे बी, उसमें ग्रिप ज़्यादा अच्छी होती है इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द राउंड, तो मे बी इस वजह से। अच्छा मुझे बताएं अक्सर सॉक्स हमारी गायब हो जाती हैं, तो वो गायब होकर कहाँ जाती हैं? बेड के नीचे, आप अक्सर देखा करें उधर ही होती हूँ। अच्छा दांतों का डॉक्टर अपने दांत कैसे चेक करवाएगा? किसी और दांतों के डॉक्टर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुझे बताएं पिज़्ज़ा खाते हैं आप? पिज़्ज़ा खाते हैं। अच्छा मुझे बताएं वो तो गोल होता है उसका बॉक्स क्यों चकोर होता है? बॉक्स क्यों चकोर होता है? पिज़्ज़ा चकोर भी होते हैं, खाए हैं आपने कभी? नहीं मैंने नहीं खाए इसलिए आपसे पूछ रही हूँ ना। मैंने तो चकोर भी खाए हैं। नहीं उनका बॉक्स क्यों चकोर होता है? बॉक्स क्यों चकोर होता है थोड़ा सोचें। अच्छा मुझे बताएं पहले पौधा आया था या बीच? पहले पता नहीं। अच्छा जो अक्सर सॉक्स गायब हो जाती हैं तो वो गायब होकर कहाँ जाती हैं? कहाँ जाती हैं, मशीन नहीं होंगी। अच्छा अगर आप गंजे होते तो आपके सर में खुश्की हो सकती थी? नहीं। अच्छा मुझे बताएं कि दांतों का डॉक्टर अपने दांत कैसे चेक करवाएगा? डॉक्टर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ कैसे बैठे हुए हैं? बच्चों के साथ बस आए हुए हैं, थोड़ा सा ये मंचिंग के लिए बस कुछ ऑर्डर किए, पराठा वगैरह। पिज़्ज़ा नहीं ऑर्डर किया? नहीं पराठा ऑर्डर किए। वैसे पिज़्ज़ा खाते हैं बच्चे और आप? हमने कहा इनका पराठा ट्राई करते हैं। अच्छा मुझे बताएं कभी आपने ये सोचा कि पिज़्ज़ा गोल होता है तो उसका बॉक्स चकोर क्यों होता है? नहीं कभी नहीं सोचा। फिर भी आप क्या गैस करते हैं कि ऐसा क्यों है? आई डोंट नो। अच्छा पहले बीच आया था या पौधा? जी पहले बीच आया था या पौधा? पहले बीच ही आया होगा। कैसे आया था ये तो अल्लाह को पता होगा कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। यहाँ कैसे आना हुआ? बस इसी मार्केट में होता हूँ। कुछ खाने पीने आए हैं? खाते पीते रहते हैं। अच्छा मुझे बताएं पिज़्ज़ा तो खाते होंगे तो पिज़्ज़ा गोल होता है तो उसका बॉक्स चकोर क्यों होता है? पिज़्ज़ा गोल होता है और इसका बॉक्स को पिज़्ज़ा वो बॉक्स गोल नहीं बन सकता ना, तो उस पर ज़रा कास्ट ज़्यादा आ जाती है तो उस पर वो कटिंग का जो खर्चा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है इसलिए। अच्छा अक्सर हमारी जो सॉक्स हैं वो गायब हो जाती हैं तो वो गायब होकर कहाँ जाती हैं? वैसे तो घर में अगर गायब हो जाए तो जो वाइफ होती है वो कई बार वो डस्टबिन में फेंक देती है, और अगर किसी जगह आप काम कर रहे होते हैं तो अक्सर ये होता है कि लड़के जो है उसको गायब कर देते हैं। अच्छा मुझे बताएं दांतों का डॉक्टर अपने दांत कैसे चेक करवाएगा? किसी दूसरे डॉक्टर से। अगर आप गंजे होते तो आपके सर में खुश्की हो सकती थी? हो सकती थी। अच्छा पहले पौधा आया था या बीच? पहले बीच। कैसे आया था बीच? नहीं पहले पौधा आया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? सईद अली शाल हुसैनी। मुझे बताएं कि पहले पौधा आया था या बीच? हाँ पहले पौधा आया था या बीच? इस तरह है नहीं सवाल तो आपका बड़ा अच्छा है, लेकिन पहले बीच आया है। अच्छा मुझे बताएं दांतों का डॉक्टर अपने दांत कैसे चेक करवाएगा? वो किसी डॉक्टर से चेक करवाएगा? वो खुद भी तो डॉक्टर है। खुद का डॉक्टर कभी अपना इलाज नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ पे मेरा साथ ऑफिस है। अच्छा पिज़्ज़ा खाते हैं आप? पिज़्ज़ा खाता हूँ। अच्छा कभी सोचा है कि पिज़्ज़ा गोल होता है तो उसका बॉक्स क्यों चकोर होता है? उसको आई थिंक गर्म रखने के लिए। अच्छा अक्सर हमारी सॉक्स गायब हो जाती हैं तो वो गायब होकर किधर जाती हैं? गायब होगी किसी दूसरे की डस्टबिन में, उसके बिन में चली जाती होंगी। अच्छा डस्टबिन में? वो वहाँ कौन भेजता है डस्टबिन में या में? डस्टबिन में नहीं। अच्छा मुझे बताएं अगर आप गंजे होते तो आपके सर में खुश्की हो सकती थी? ऑफ कोर्स हो सकती थी। अच्छा दांतों का डॉक्टर अपने दांत कैसे चेक करवाएगा? किसी दूसरे डॉक्टर को। खुद भी तो डॉक्टर है ना? वो तो है बट जाहिर सी बात है मुश्किल होगा उसके लिए करना। पहले पौधा आया था या बीज? पहले बीज आया। कैसे? पहले पौधा ही आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है। यहाँ बैठे हुए क्यों? पिज्जे का वेट हो रहा है? नहीं बस आलू पराठा मंगाया। अच्छा पिज्ज़ा खाते हैं आप? जी। अच्छा मुझे बताएं पिज़्ज़ा तो गोल होता है तो उसका बॉक्स क्यों चकोर होता है? सोचे ना। अच्छा मुझे बताएं पहले पौधा आया था या बीच?
बीज। बीज। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आप गंजे होते तो आपके सर में खुश्की हो सकती थी? नहीं सर। हमारी सॉक्स गुम हो जाती हैं तो वो कहाँ से मिलती हैं, कहाँ जाती हैं वो गायब होके? अक्सर बेड के नीचे से या। अच्छा मुझे ये बताएं कि दांतों का डॉक्टर अपने दांत कैसे चेक करवाएगा? दूसरे डॉक्टर से। जी तो नाजरीन ये था हमारा आज का शो, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप इन सवालों के जवाब जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीक किसी नए टॉपिक के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।